ड्रामा सीरीज देखना पसंद करते हो? ऐसी ड्रामा सीरीज जिसको कि देख के आपको जरा भी बोर फील ना हो, तो नेटफ्लिक्स की द लिंकन लॉयर सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। ये सीरीज अच्छी है, देखने में हिंदी में अवेलेबल है और फैमिली के साथ भी देख सकते हो। सीरीज की कहानी कैसे टाइप की है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बहुत ही अच्छा वकील मिकी हॉलर, इसने बहुत सालों से कोई भी केस नहीं लड़ा है, तो एक दूसरा वकील है उसका की मर्डर हो चुका है। अब उसके जितने भी केसेस है वो सब मिकी हॉलर को ट्रांसफर कर दिए हैं। ज्यादातर सीरीज में मर्डर के केसेस दिखाए गए हैं, और ये मर्डर के केसेस कैसे दिखाए गए हैं, जिसमें कि मिकी हॉलर का जो क्लाइंट है वो पूरा बेगुनाह है और वो जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है, जबकि उसने कोई भी मर्डर किया ही नहीं है। तो ये पूरे अच्छे से सबूत ढूंढता है, इतना दिमाग लगा कि केसेस को सॉल्व करता है, जिसमें कि सारे जितने भी सबूत है वो सभी इसके क्लाइंट के खिलाफ ही है। तो आखिर किस तरीके से अपने क्लाइंट को पूरा बेगुनाह साबित करता है सीरीज में, ये पूरा अच्छे से दिखाया गया है, ताकि वो क्लाइंट पूरा वो बेगुनाह साबित हो जाए। साथ ही इस सीरीज में मिकी हॉलर वकील की पर्सनल जिंदगी भी बताई गई है कि इसकी दो दो पत्नियां हैं और दोनों पत्नी इसको छोड़ के जा चुकी है। उनमें से सेकंड पत्नी जो है, दूसरी पत्नी, वो तो इसका केस सॉल्व करने में ही हेल्प करती रहती है, और वो पत्नी का जो बॉयफ्रेंड है वो भी इसका ही साथ देता है केसेस को सॉल्व करने में। तो इस पूरी सीरीज में मिकी हॉलर की पूरी जिंदगी की कहानी बताई गई है, इसकी ये कितना अच्छा लॉयर है, इसकी पर्सनल लाइफ सब कुछ बताई गई है इस सीरीज में। और अब आपको बताना चाहूंगा कि सीरीज का नाम द लिंकन लॉयर क्यों रखा है। ये मिकी हॉलर वकील जो है ये ज्यादातर है ना लिंकन गाड़ी है उसमें ही घूमता रहता है दिन भर, ज्यादातर काम भी ये गाड़ी में ही करता है, तो इस वजह से ही सीरीज का नाम द लिंकन लॉयर ही रखा है, क्योंकि ये ज्यादातर समय लिंकन गाड़ी में ही रहता है। देखना चाहते हो द लिंकन लॉयर सीरीज तो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है हिंदी भाषा में, फैमिली को भी दिखा सकते हो। देखकर कमेंट में जरूर बताना आपको द लिंकन लॉयर सीरीज कैसी लगी देखने में।